और बात दुमका की, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। यहाँ का रेफरल अस्पताल बिना किसी सृजित पद के चल रहा है। अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन डॉक्टर्स और कर्मचारियों की कमी के कारण अस्पताल लगभग बंदी के कगार पर है। रिपोर्ट देखें। खस्ता हाल है रेफरल पशु अस्पताल। अस्पताल में छोटे बड़े पशुओं का हो रहा इलाज। यहाँ दो डॉक्टर्स ही हैं प्रतिनियुक्ति पर। करीब 30 कार्मिकों का होना है पदस्थापन। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के भरोसे है अस्पताल। अधिकांश कमरों में लटका है ताला। ये दुमका का रेफरल पशु अस्पताल है। बाहर से सैकड़ों साल पुराना नजर आता है। हालांकि अंदर से सुंदर नजर आता है, लेकिन आपको अधिकतर कमरों में ताले नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है। हालत ये है कि यहाँ दो डॉक्टर तो हैं और दोनों ही प्रतिनियुक्ति पर है। यहाँ का पद सीजन नहीं है, इस संबंध में विभाग को जानकारी है। विभाग के द्वारा हम लोग को भेजा गया था कि कितना पद चाहिए, और विभाग के जो निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ से भेजे हैं। और यहाँ 4 चिकित्सक के लिए भेजे हैं और 22 कर्मी के लिए हम लोग यहाँ भेजे हैं। और हम पहले तो इसका प्रक्रिया भी है और इसका काम चल रहा है और बहुत अच्छा से रेफरल अस्पताल चल रहा है। कर्मचारियों का हाल यह है कि यहाँ करीब 30 लोगों का पदस्थापन होना है, लेकिन दो डॉक्टर्स और कुछ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी ही यहाँ हैं। इस मामले में कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने जल्द सारे पदों को भरने की बात की है। आप देख रहे हो कि जेपीएससी ने परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी। हमने डिलेड 4-4 जेपीएससी की परीक्षा को भी हरी झंडी दी है, और उसके साथ ये सब जो स्वीकृत पद है इन सब में कुछ जो संशोधन है ये सब करके इसकी नियुक्तियाँ बहाली के लिए प्रक्रिया विभाग पर विचाराधीन है। उसको शीघ्र ही हम जो सक्षम एजेंसी हैं जो इसके लिए एग्जाम लेंगे या व्यवस्था करेंगे, या ये भी निर्णय ले सकता आउटसोर्सिंग का भी। इतने बड़े पशु अस्पताल में कुछ एक कर्मियों से अस्पताल नहीं चल सकता। यदि समय रहते कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई तो जल्द अस्पताल बंद होने के कगार पर आ जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।